हेलो स्टूडेंट्स, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर जिप मैट। तो जिन बच्चों का 28 मई को जिप मैट है, यू पीपल हैव टू फोकस ऑन दीज फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगले 3 दिनों में क्या करना है, मोर ओवर जिप मैट में क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जिप मैट का पूरा पैटर्न क्या होता है, वी पीपल डू अंडरस्टैंड इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जिप मैट, 100 क्वेश्चंस का ये पूरा टेस्ट है एंड 150 मिनट्स का टाइम है। 33 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, 33 क्वेश्चंस ऑफ DILR एंड देन स्टूडेंट्स 34 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, मार्किंग पैटर्न इज +4 एंड -1 एंड दीज फाइव थिंग्स यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड। पेपर का स्टूडेंट्स लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता एंड दैट इज द रीज़न जो आइडियल टाइम का डिवीज़न होना चाहिए सेक्शंस में। स्टूडेंट्स, अगर आप इस आइडियल डिवीज़न को फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। सो आई थिंक 35 मिनट से ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लगना चाहिए, 45 to 50 मिनट्स इन रीजनिंग। और मैथ्स में स्टूडेंट्स थोड़े से क्वेश्चंस कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप 60 मिनट्स का टाइम दे दो। तो 150 मिनट्स, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट एंड मोर ओवर देर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट। सो दैट इज़ द रीज़न यू पीपल हैव टू बी अवेयर विद इन योर सेल्फ कि मुझे कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, और पहले से थोड़ा सा प्लान करके चलोगे तो बेटर है। सेकेंड, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट शुड नॉट बी लेस देन 85 to 90 क्वेश्चंस। हम सबको पता है, एक और वीडियो अभी जस्ट इस चैनल पर पोस्ट हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स 320 के आसपास होगा या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। एंड जिप मैट के बेसिस पर फाइनल एडमिशन होता है IIM जम्मू एंड बोध गया, तो कहीं पर भी स्टूडेंट्स आप देखोगे कोई इंटरव्यू तो है नहीं। तो इसीलिए ये जो मार्क्स हैं ये हमेशा थोड़े से अच्छे होने चाहिए टू फाइनली हैव अ सिक्योर्ड एडमिशन। तो इनकेस अगर मुझे 400 मार्क्स के पेपर में आपके 320-330 स्कोर करना है टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो डेफिनेटली 85 से 90 अटेम्प्ट्स तो होना ही चाहिए। एंड स्टूडेंट्स एक्यूरेसी इज द की, अंडरस्टैंड। तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें मेंटेन करके चलना है। ओके, तो प्रैक्टिस सॉल्विंग DI क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर DILR के सेक्शन में तो देवर 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन DI, देवर 4 सेट्स 5 क्वेश्चंस ईच। और उसके पहले के 2021 में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे देर वॉज ओनली 1 सेट ऑफ DI। तो जिन बच्चों की DI की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, अगले 3 दिनों में स्टूडेंट्स आप कम से कम 5-10-15-20 सेट सॉल्व कर लो, नॉट सो टफ लेवल। ओके, आई थिंक DI को मैनेज करना विल बिकम ईजी फॉर अस। देन स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द 4th वन, डोंट गेट स्टक इन द क्वेश्चंस। ये जो ईगो है ना सर, कि सर मेरा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो बहुत स्ट्रांग है, मैं इस क्वेश्चन को तो करके ही रहूँगा, आई थिंक उसे साइड में रखता हूँ। और स्टूडेंट्स हमें किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार आपको जो लगता है वो आंसर मार्क करो, फिर उसे मार्क एंड रिव्यू पर क्लिक कर दो, सो दैट लास्ट में आप लोग वापस रिविजिट कर सकें। बहुत ही प्रॉपर तरीके से अगर आप उस टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के डायनामिक्स को समझें, उसके इंटरफेस को समझें, तो भी स्टूडेंट्स आप एक्चुअल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2-4-5-7 नंबर्स तो केवल उस डायनामिक्स को या उस इंटरफेस को प्रॉपरली यूज़ करने से ही बढ़ जाता है। एंड कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि सर पॉसिबली इन 4 ऑप्शंस में से दिस ऑप्शन के नॉट बी द आंसर, दिस 2 ऑप्शंस के नॉट बी द आंसर, डू टेक अ रिस्क। अगर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किसी ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वहाँ यू कैन टेक अ चॉइस कि रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। वहाँ मैं अप्रिशिएट करूँगा रिस्क ना लें तो बेटर है, बट कहीं पर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है तो डू टेक अ रिस्क। तो स्टूडेंट्स डोंट गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन। एंड 5th पॉइंट इज एक्यूरेसी इज द की, तो एलिमिनेट द ऑप्शन वाइजली। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स स्मार्ट बनो, हमें वहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बन के नहीं जाना है, हमें स्टूडेंट्स लॉजिक और स्मार्टनेस अप्लाई करनी है, अंडरस्टैंड। ओके, सो कीप दीज 5 थिंग्स इन माइंड। एंड फाइनली स्टूडेंट्स जिप मैट के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल द बेस्ट, आप ब्लेसिंग्स आर विथ यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।